नमस्कार, मैं हूं पंकज बरल ब्राइट फॉर सॉल्यूशन से। ये ब्रदर का 2321D ये मॉडल में जो ये टोनर रिसेट करने का जो बता रहे हैं हम, आप ध्यान से देखिए, ये जो मॉडल है 2321D, ठीक है। तो अभी ये उसमें फैक्ट्री रिसेट करना है, तो उसमें करना क्या है, आपको ये पहले पावर ऑफ कर देना है। प्रिंटर को लॉन्ग टाइम प्रेस करके पावर ऑफ कर दीजिए। ये पावर ऑफ हो गया, उसके बाद ये ट्रे ओपन कर लेना है। ये ट्रे ओपन कर लिया। अभी ट्रे ओपन करने के बाद ये गो का बटन आपको प्रेस करके रखना है, उसके बाद पावर ऑन करना है। तो जैसे ये पावर ऑन हो गया, तो अभी ये गो का बटन आपको रिमूव कर देना है। उसके बाद 9 टाइम प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 टाइम मैंने प्रेस कर दिया। उसके बाद ये तीन लाइट आ गई है, ये उसके बाद ये कवर क्लोज कर देना है। अभी उसको 5 टाइम प्रेस करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी थोड़ा वेट कीजिए, ये अपने आप रिसेट हो जाएगा। ये फैक्ट्री रिसेट करने से आपका टोनर का जो भी एरर रहेगा, ड्रम का एरर रहेगा, वो सब सॉल्व हो जाएगा। तो ड्रम या तो टोनर उसका कोई भी एरर आ रहा है, तो उसको आप ऐसे रिमूव कर सकते हो। पहले 9 टाइम प्रेस करना है, उसके बाद 5 टाइम। देखिए, ये अभी LED स्टेडी हो गई, ये हमारा प्रिंटर कंप्लीट वर्क करने लग गया। अभी मैं उसको उसका टेस्ट पेज निकाल रहा हूँ, तो 3 टाइम उसको प्रेस करके करना है, 1 2 3। तो अभी उसका टेस्ट पेज भी निकल जाएगा। देखिए, स्टार्ट हो गया प्रिंटर। तो पहले यहाँ पे टोनर की लाइट आ रही थी, उसमें करना कुछ नहीं है, मैंने बताया वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है। देखिए, ये उसका टेस्ट पेज आ गया, ठीक है। उसमें पाउडर भी पूरा डाला हुआ है, ड्रम भी उसका सही वर्किंग है, और उसमें टोटल पेज काउंट है 16,740 प्रिंट किया हुआ है। तो आपने ये सब देख लिया, तो ऐसे उसको आप रिसेट कर सकते हो, और हम ड्रम एरर है या तो टोनर एरर है, इजी आप रिमूव कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल। आपको जो ये सही लगा है तो किसी को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।